हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम वन। ये 25 अगस्त की यूपी पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट की जीके के आंसर की मैं आप लोगों सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। आप लोग अपने आंसर मिला लें। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह रूल्स ऑफ बुद्धा संघा, बौद्ध संघ के नियम इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सी भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट के जो आपके लेखक हैं वो होंगे फ्योडोर दोस्तोवस्की। सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी आपकी वियतनाम हो जाएगी। ठीक है, मस्कट ओमान की, काठमांडू नेपाल की, और लीमा आपकी शायद ये देखना पड़ेगा, पेरू की शायद लीमा। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो व्यापार के लिए ट्रेड है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST की दर क्या है? तो ये भैया है 12%। ठीक है, GST में कितने मेंबर होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? समस्याओं आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, फिर उसके बाद रिसर्च होती है। इस पर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहते हैं? तो 18 वर्ष से बच्चा जो होता है वो चाइल्ड होता है, इसलिए उसको चाइल्ड राइट बोलते हैं। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो जनवरी 2006 में। सोशल मीडिया पर TBT का क्या आता है? तो ये तो बहुत ईजी है, ये होता है थ्रोबैक थर्सडे, सबको ही पता होगा जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होगा। अच्छा, ये क्रिस्पर कैस 9 का उपयोग कब किया जाता है? तो ये अभी शायद जनवरी साइड ये वो चला था क्रिस्पर। इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक होता है आपका उसको एडिट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके, एक मिनट, इस तरीके से जो आपका जेनेटिक होता है उसको, जैसे यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे जेनेटिक तक काट के जोड़ देंगे, एडिट हो जाएगा, दूसरे का जेनेटिक डाल देंगे। इसी को बोलते हैं CRISPR-9, प्रोटीन पर आधारित रहता है ये। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या था? तो इसका था नेविगेशन द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक मिनट, ए ऑप्शन। ठीक है, पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, टू प्रिपेयर फॉर ट्रायल एंड डिस्कस सेटलमेंट ऑप्शन, ये वाला बी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर है सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या कहलाता है? तो यह होता है साइबर बुलिंग, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? तो यह है, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, ह्यूमन बॉडी, नहीं, ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत में महात्मा गांधी सत्याग्रह कहाँ से चालू किया था? तो भैया चंपारण, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिस मिशन के, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन करता है? तो नए राज्यों, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आपका अनुच्छेद 3 करता है। 2 में आपका किसी भी राज्य में अल्टर कर सकता है, तो 3 में जाएगा इसमें। ठीक है, रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक, और अच्छा इसमें जो क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि 3 महीने का रहता है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और इसमें क्या है अगर मैं अप्रैल मई जून जुलाई भी इसमें है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो जून लगाइए आप, ए लगाइए, क्वेश्चन डाउटफुल है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है, आपकी सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को विनियमित करना, यह आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी चालान करना, ये अगला सी ऑप्शन आपका। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अचामली वर्षा पूछ रहा है जिम्मेदार, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, चाइना हो गया आपका पवन ऊर्जा में। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये तो भैया ईजी सवाल है, जगदीप धनखड़ हो गए, डी ऑप्शन, ठीक है। 2016 में हस्ताक्षर भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है, तो ये देखिए इतना 2016 का क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं समझ में नहीं आ रहा क्यों पूछ रहा है। तो 2016 में भारत और जापान नागरिक परमाणु समझौता, ठीक है, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मुझे भी क्लियर नहीं है, वो काफ़ी पुरानी करंट अफेयर्स है। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है, तो माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो प्रवासी बोलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अच्छा एमयू 1920 हो गया, अगर एंग्लो मोरिएंटल बोलता तो 1975 लगा, तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो है डी होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बनारस। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए, अच्छा 1998 में इकोनॉमिक्स का वो पूछ रहा है कि किसको नोबेल मिला, तो अमर्त्य सेन को मिला है, फिर उसके बाद अभिजीत बनर्जी को मिला था जो भी लेटेस्ट मिला था, ठीक है। जैन आयर किस लेखक ने लिखी है, अच्छा जैन आयर, ये हो गए शार्लोट ब्रांटे ने, डी ऑप्शन होगा इसमें आपका। ट्विटर एक क्या है, तो ट्विटर एक भैया आपका चैट करने वाला है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है, तो ये चाइना के साथ करता है, इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा डाउट आएगा क्योंकि वो इस तरीके से दिया हुआ है, एक मिनट, इस तरीके से दिया हुआ है, तो भारत नेपाल चाइना तीनों मिलता है, ट्रांजेक्शन है, तो इसमें क्वेश्चन डाउटफुल है, इसमें भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन चाइना लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, तो दक्षिण कोरिया में आपकी हो जाएगी वॉन, ठीक है, ए ऑप्शन। अच्छा आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसको मॉलवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए, तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें, थैंक यू सो मच। और शाम को आपकी जो लास्ट आज एग्ज़ाम होगा सेकेंड शिफ्ट का, वो भी अपलोड कर दी जाएगी।